सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग के बाद दूसरे दिन और भी बड़ा धमाका कर दिया। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी गदर 2 ने दूसरे दिन भी कई रिकॉर्ड तोड़े। वहीं गदर 2 के बावजूद OMG 2 भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बेशक सनी देओल की गदर 2 ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 इसे टक्कर जरूर दे रही है। चलिए बताते हैं गदर 2 का दूसरे दिन का कलेक्शन कितना रहा। गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संचिक के मुताबिक गदर 2 ने दूसरे दिन देश में 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, यानी फिल्म को शनिवार की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला। वीकेंड पर इसके कारोबार में 3 करोड़ का फायदा हुआ। इसी के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ने सिर्फ 2 दिन में 83.10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। खास बात यह है कि गदर 2 का बजट 75 करोड़ के करीब बताया जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म ने महज 2 दिन में ये लागत वसूल कर ली है। शनिवार को गदर 2 के मॉर्निंग शोज में 34% ऑक्यूपेंसी रेट दर्ज की गई, तो दिन में ये बढ़कर 61.15% हो गई, शाम में 78%, तो रात में गदर 2 के शोज हाउसफुल रहे और 87% तक ऑक्यूपेंसी देखी गई। गदर 2 के कास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल के अलावा मनीष वाधवा, उत्कर्ष शर्मा, लव सिन्हा, सिमरत कौर से लेकर गौरव चोपड़ा जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि शाहरुख खान की पठान ने 55 करोड़ के साथ खाता खोला था। फिर सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान के बिजनेस में दूसरे दिन 23% का उछाल के साथ 70 करोड़ रुपए की कमाई की थी, यानी 2 दिन में पठान 125 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। वहीं गदर 2 ने 2 दिन में 83.10 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है। गदर 2 को लेकर मार्केट में तगड़ा क्रेज है। थिएटर्स के बाहर लंबे समय बाद हाउसफुल के बोर्ड टंगे हैं। बेशक पठान का रिकॉर्ड सनी देओल की फिल्म ना तोड़ पाई हो, लेकिन इसका क्रेज पठान से जरा भी कम नहीं है। थिएटर्स के बाहर लंबी लाइनें हों या सिनेमाघरों में नाचते झूमते फैंस, इसे देखने के बाद ये तो साफ है कि फिल्म ने सिनेमाघरों की रौनक वापस लौटा दी है। सनी देओल की सुपरहिट फिल्मों में डर, जीत, घातक, दामिनी, गदर, यमला पगला दीवाना जैसी मूवीज शामिल हैं, मगर पिछली कई फिल्में उनकी फ्लॉप साबित रही थी। वह साल 2022 में चुप फिल्म में नजर आए थे, जिसे सिर्फ 9-10 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इसी तरह साल 2019 में रिलीज हुई उनके निर्देशन में बनी पल पल दिल के पास का भी यही हाल था, जिसने ओवरऑल करीब 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस फिल्म में उनके बेटे करण देओल ने डेब्यू किया था। ठीक इसी तरह साल 2016 में आई घायल वंस अगेन का लाइफ टाइम बिजनेस 35 करोड़ रहा था।